लो भाई सब रास्ते देख लो क्या खतरनाक है। लो भाई साहब अनएक्सपेक्टेड ट्रिप बनी है, वो आप थंबनेल देख के समझ भी गए होंगे कि कहाँ जा रहे हैं। स्टिल बता दूं हम जा रहे हैं जीबी हिमाचल में, यहाँ से पानीपत से ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर पड़ता है पूरा। तो गाड़ी है इस बार अपने पास स्कॉर्पियो, बाइक का ट्रिप नहीं बना क्योंकि ऑफिस के बंदे हैं। अभी कुछ खाने पीने का सामान ले रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है और आगे मिलता हूँ आपको, अभी दिखाता हूँ। पहले अभी रुके हैं पानीपत के टोल टैक्स पे और उसके बाद निकलेंगे अब सीधा क्योंकि पेट्रोल फुल करवा रहे हैं। लो भाई विवेक ने ले लिया है सामान पूरा, सिस्टम सेट है, भाई असीम तैयार है, इसको आप जानते ही हो, ये भाई विवेक है, आगे इंट्रोडक्शन सबका मिलना है। चलो भाई साहब टैंकी फुल करा ली है, स्कॉर्पियो एन अपनी गाड़ी है और इसमें 50 लीटर पेट्रोल आया है, 50 लीटर सॉरी डीजल है 50 लीटर डीजल आ चुका है इसमें। ये भाई यतीन है, वो विवेक है, अपने सारे 1, 2, 3 और चौथा मैं, चार ही बंदे जा रहे हैं और चार के चार ये लगा लो हम ऑफिस क्लीग्स और टीम मेट्स हैं। तो बस अभी निकल रहे हैं यहाँ से, खाना खुना रास्ते में ही खाएंगे, देखते हैं बाकी। बस लो भाई साहब जीबी से 2 घंटे पीछे हैं, लोकेशन देखो आप, ये चेक करो आप लोकेशन, क्या ग्रीनरी है भाई साहब, नीचे रिवर और रिवर भी पूरी चौड़ी है, ऐसी बात नहीं है। और ये देखो बिल्कुल ना जैसे बादल बनते हैं प्रॉपर, ऐसे हो रहा है, स्मोक है ये क्योंकि अभी बारिश होके रुकी है, बहुत देर से बारिश हो रही थी, गाड़ियाँ चल पड़ी। लो भाई साहब जब तक जाम खुलेगा हम खा ले ऑमलेट चाय के साथ। और भाई साहब व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, गाड़ी तो आगे भेज दी है, देखना पानी का, यहाँ इतने सारे डैम आए हैं रास्ते में, बट ऐसे ना गाड़ी रोकना अलाउड भी नहीं है। और ये इस साइड जा रहा है, क्या ही व्यू है भाई। लो भाई सब रास्ते देख लो क्या खतरनाक है। ये देखो बिल्कुल स्मोक वाले बादल। लो भाई साहब पहुंच गए हैं, वो गाड़ी उतार रहे हैं पूरी, नीचे दिखाता हूं आपको, ये नीचे बिल्कुल देख रहे हो नज़ारा, होटल हमारा ऐसी जगह है भाई साहब, मज़ा आ गया कुछ भी हो जाए। लो भाई साहब उतार दिया गाड़ी नीचे, अभी लगा दे पार्किंग में और लोकेशन ये देखो भाई साहब, मज़ा ही आ जाएगा। ये अपना गेस्ट हाउस मैपल के नाम से, मैपल आउट होम्स, और अंदर कॉटेज टाइप बने हुए हैं, हमारा टेंट है, टेंट भी प्रॉपर है उसी के, मतलब अटैच वॉशरूम वगैरह सब कुछ है। सनरूफ क्लोज कर दियो, देखते हैं अभी अंदर जाके क्या माहौल है, ये देख रहे हो। और भाई साहब मज़ा तो जब आएगा जब हम फ्रेश होके यहाँ बैठेंगे। लो भाई साहब ये अपना टेंट है, ये हैंगर है कॉफ़ी वगैरह के लिए, फ़ैन की नीड पड़ेगी जैसा मौसम है, लैंप्स। और ये भाई असीम तो आते ही लेट गया, क्यों इसने काम ज़्यादा करा बेचारे ने, ये ऊपर है और इधर है वॉशरूम, और ये थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ इन्होंने वो दे दिया जैसे विंडो वगैरह, यहाँ से अगर बाहर का नज़ारा लेना हो तो। ये देखो भाई साहब मज़ा ही आ जाएगा, एक नंबर जीबी में पैसा वसूल, ये बैठने के लिए चेयर्स वगैरह सब कुछ है, और ये गार्डन
कैफे, दिस वन इज आवर कैफे। मज़ा आने वाला है नो डाउट। मेरा GoPro के पैसे वसूल हो जाएंगे आई थिंक। वहाँ किसी ने बियर वगैरह पी रखी है। ये देखो लोकेशन एक नंबर है भाई, मज़ा आ गया कसम से। शाम को भी मज़ा आएगा पूरा भाई साहब, कसम से बता रहा हूँ। बहुत घुमाऊँ मैं, ऐसी बात नहीं है, पर ये लोकेशन ना बाय डिफ़ॉल्ट इतनी अच्छी है ना, मतलब अनएक्सपेक्टेड है। मैंने नहीं सोचा जी भी ऐसा होगा, कसम से बता रहा हूँ। बहुत अच्छी जगह है, रिकमेंडेबल है, आ सकते हो। और अभी तो रुको, मैं लोकेशन आपको अभी भी दिखाता हूँ कि बहुत कुछ चीज़ें हैं। मतलब यार इतना नेचर का फील है ना जिसको मैं बता नहीं सकता, मतलब शब्दों से बयान नहीं हो सकता वो सच में। अब ये देखो ये कॉटेजेस हैं, ये हमने टेंट लिए हुए हैं, चार बंदे हैं तो दो लिए हैं, क्योंकि एक डबल बेड है सिंगल तो उसमें चार एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, तो दो टेंट लिए हैं। और जो इसकी कॉस्ट है 1500 रुपये पर पर्सन पड़ी है। ये देखो भाई साहब, ये झूलने के लिए कैफ़े है ये प्रॉपर। ये ऊपर ये देखो फ़ोटो वोटो क्लिक करनी हो या ऊपर बैठने के लिए, प्लस ये झूला है, ये खाने के लिए, और सबसे बढ़िया चीज़ है भाई साहब नहाने के लिए। ये देखना साउंड कैसा आ रहा है, मतलब आई डोंट नो कि मेरी भी आवाज़ कैसी आ रही होगी। लैंप वगैरह रात के लिए, यहीं बैठ के नहा भी सकते हैं बड़ी आराम से, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है कुछ भी नहीं है, मतलब ना डूबने का सीन है ना कुछ है, और चिल्ड माहौल बिल्कुल। चलो अभी पहले अंदर चलता हूँ, देन देखते हैं पहले कुछ खाएंगे फिर करते हैं क्या करना है, आसपास घूमना है जो भी करना है। लो भाई साहब चाय आ गई एक नंबर, असीम चाय और कोल्ड कॉफ़ी दोनों पिएगा। ये देखिए उसकी कॉर्बिट वाली स्माइल, ऑर्बिट नहीं है कॉर्बिट है ये। चलो मिलते हैं भाई। तो भाई साहब हम चल दिए अब नहाने, लो चली मैं, लो चली मैं। ये रहा मैं भी निकल रहा हूँ। तो भाई साहब अब निकल रहे हैं हम जीबी वाटरफॉल, वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे क्या माहौल है क्या नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही हम फर्स्ट टाइम आए हैं। तो अभी निकल रहे हैं बस गाड़ी की तरफ। अब गाड़ी का रास्ता भी बड़ा ऐसा यार, बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ाना पड़ता है, देन उसके बाद देखते हैं कैसा क्या रहेगा माहौल, बट अभी तो निकल रहे हैं फाइनली। लिख के ले लो। ठीक है भाई सब लिख लिया, भाई लिख लियो रे, बोलना जो कोई सा लो भाई, गड्डी चल रही है अब एडवेंचर पे। भाई साहब ये देखो गाड़ी चढ़वा रहे हैं, क्योंकि जो रास्ता है ना हमारे होटल का बहुत ज़्यादा ऊपर है। ये देखो भाई साहब स्कॉर्पियो गाड़ी एक नंबर रखती है भाई साहब। रास्ते देख रहे हो, आने दे पीछे, जाने दे जाने दे जाने दे, अब आने दे। वो देखो एक आगे से गाड़ी आ रही है, वो पैक करवा रहे हैं हम, इसीलिए तो पैदल चल रहे हैं। एक आज भाई विवेक आज फुल मूड गए हैं एडवेंचर करने के। ये गुड, ये बड़ा उल्टा काम है ना, इधर रास्ता है ना उधर रास्ता है, ये तो फिर भी ब्रेक ले लेंगे बट हम नहीं ले पाएंगे, बिकॉज इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ भाई, ये तो रेगुलर यहाँ के बंदे हैं। ये भाई तीन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लड़के,
ये लेगा 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 यतीन लेगा लेगा गई 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 बस बस आज पैसा वसूल आज लग गया स्कॉर्पियो लिए अभी विवेक जा रहा है गाड़ी लगाने के लिए और गाड़ी लगाने के बाद आएगा और भाई साहब ये देखो व्यू गजब एक नंबर का जिसको बोलते हैं लोकेशन अच्छी है और यहाँ ना इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ और चाहे 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 नहीं है जैसे शिमला मनाली मतलब इस टाइप की लोकेशन पर होती है ना इतना नहीं है थोड़ा अच्छा है मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं कुल मिला भाई एंट्रेंस तो अच्छी है जी पी वाटर पार्क की ये देखो मतलब यहाँ ना बिल्कुल ग्रीन ग्रीन माहौल है सारा पूरे जीपी लोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं ना कि सिर्फ जाम चल रहे हैं वहाँ की बात कर रहा हूँ पूरा ही मतलब ग्रीन ग्रीन है बिल्कुल पेड़ों से घिरा हुआ और हर टाइम स्मोक सा रहता है जो बादलों के ऊपर होता है वो वाला अच्छा है कुल मिला गया चलो आगे दिखाता हूँ अभी आपको ये देखो क्या क्रॉसिंग बना रखे भाई ये देखो भाई साहब क्या नज़ारा है इसी के लिए तो आ रहे हैं लोग और ये है वाटरफॉल चल के माहौल देखो भाई साहब कल सुबह तो यहीं आए भाई बिल्कुल साफ पानी है और पानी भी अच्छा है कोई ऐसी बात नहीं है तो यहाँ ना बिल्कुल फुहारे आ रही हैं वाह जी वाह मजा आ गया ट्राई करेंगे कल आएंगे और यहाँ आएंगे भाई साहब मज़ा आ जाएगा इट्स लाइक ए लाइक स्विमिंग पूल और पानी भी इतना है कि टेस्ट तक तो बिल्कुल बड़ी आराम से आएगा विवेक से रुका नहीं जा रहा इसकी गहराई माप के रहेगा भाई बहुत है यार फिर भी रहने लायक तो है ही इतना ही है ये कितना साफ है बात ये है ना ब्रो ये कितना साफ है यहाँ से वहाँ तक नहाने में मज़ा आ जाएगा लो भाई साहब हम चल दिए वापस और अभी लेंगे चाय मैगी या कुछ और आइटम डन के बाद निकलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे अपने लो भाई साहब ये रास्ता जाता है मिनी थाईलैंड दिख रहे हैं पेड़ ये स्विट्जरलैंड जैसे दिख रहे हैं मेरे को और ये रास्ता इसका उतरने का कुछ ऐसा है भाई साहब वो दिख रहा है खोखा सा वहाँ जाना है बट द वे इज इट्स टफ सो वी हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट क्योंकि अगर पाँव फिसला सारी इंग्लिश हट जाएगी यहीं समझ रहे हो लो भाई साहब ये है मिनी थाईलैंड का नज़ारा मेरे को लगा थाईलैंड वाला सीन मिलेगा कुछ इसलिए मैंने थाईलैंड नाम रखा है बट यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ तो सिर्फ प्रकृति वाला थाईलैंड है ये देखो सिटिंग का भी प्रावधान फूल है अब देखना ये है इधर जाने का रास्ता कहाँ भाई इधर भी है रास्ता इधर से है ब्रो
यही ख़त्म हो गया, बट एक छोटा सा खुफिया रास्ता है आगे जाने का, तो लोग बता रहे हैं अभी थोड़ी और आगे जाओ। चलो फिर चलते हैं। इतनी मेहनत लगी है आने में, तेल लगा है, तो नहा नहा के आ रहे हैं, गड्ढे में मर गए लोग। ओ भाई ये क्या है, मैं धुआं वैसे भाप का है या कुछ, मतलब धुआं आग वगैरह लगी रही। इतने हरे भरे में आग तो नहीं लग सकती, बट 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 नहा रहे बंदे भाई। पहले मेरे को लगा रास्ता यहाँ से अंदर आने का। ये धुआं कैसा है, नहीं माल ही कोई माल सूख रहा है, इतनी स्मेल आती है, और कुछ है भाई। भाई साहब आग जलाई हुई है, आग सोती तो फिर मैगी, मैं भी कह रहा हूँ किस चीज की आग जल रही है। दिस इज द मेन थाईलैंड, ये व्यू है भाई अपना कुछ। आई डोंट थिंक सो कि कुछ है भैया, इसे आगे भी है कुछ ब्रो, लास्ट है ये लास्ट पॉइंट है भाई, और कुछ ना कुछ। थक चुका है एक्सप्लोर कर करके, दो शब्द अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। कोई भी कॉर्पोरेट मजदूर उसको दो दिन की छुट्टी मिले जरूर से जरूर आए, और अपने दोस्तों को भी लाए, कोशिश करें कि दोस्तों को ही लाएं और दोस्तों के साथ ही आए, ठीक है। फैमिली के साथ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्तों के साथ आने में आपको बहुत मज़ा आएगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप आस पास का व्यू एंजॉय करें, मेरा व्यू इतना अच्छा है नहीं।